ओके वेलकम टू द चैनल गाइस, मेरा नाम है सूरज, गुवाहाटी से, और इस वीडियो में हम उन सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे कि अगर आपका एक सपना है कैबिन क्रू बनने का, अगर आपको फ्लाइट अटेंडेंट बनना है, तो आप अपने इस सपने को क्लास 12 के बाद या ग्रेजुएशन के बाद कैसे पूरा कर सकते हो। पॉइंट नंबर 1 है, वो है एज लिमिट। तो आप अगर एक डोमेस्टिक एयरलाइन के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो आपकी जो मिनिमम एज है वो 18 साल या उससे ज़्यादा होनी चाहिए, और अगर आप एक इंटरनेशनल एयरलाइन में अप्लाई करते हो तो आपकी जो मिनिमम एज होती है वो 21 इयर्स एंड उससे अबोव होती है, मतलब 21 या उससे ज़्यादा होती है। पॉइंट नंबर 2 पे, टू जो है वो है आपकी बेसिक एडुकेशनल क्वालिफिकेशन कितनी होनी चाहिए। क्या एडुकेशन के अलावा आपके पास कोई और क्वालिफिकेशन भी होनी चाहिए? तो इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। देखिए, आप जब डोमेस्टिक एयरलाइन पर अप्लाई करते हो तो जो मिनिमम एडुकेशनल क्वालिफिकेशन वो मांगते हैं वो है क्लास 12 पास, और अगर एक इंटरनेशनल एयरलाइन में अप्लाई करना चाहते हैं तो जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है वो जो मांगते हैं वो एक ग्रेजुएट लेवल की होती है। अगर आप एक ग्रेजुएट हो तो आप आसानी से दोनों डोमेस्टिक और इंटरनेशनल दोनों में आप अप्लाई कर सकते हो। बहुत सारे इंटरनेशनल एयरलाइंस भी हैं जिनमें जिन लोगों ने प्लस 12 पास किया हुआ है वो भी अप्लाई कर सकते हैं। तो गाइस, एक और चीज़ है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, कि अगर आपके पास कोई भी वर्किंग एक्सपीरियंस है, आपने पहले कहीं भी किसी भी इंडस्ट्री में काम किया है या फिर आप किसी भी एयरलाइन में कैबिन क्रू थे, तो ये चीज़ अपने इंटरव्यू के टाइम ज़रूर बताइएगा, क्योंकि इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। तो ये चीज़ हमेशा आप बताइएगा किसी भी इंटरव्यू में कि आपको प्रीवियस काम करने का एक्सपीरियंस है, क्योंकि जो इंटरव्यूअर होते हैं, जो एयरलाइन कंपनीज होती है, वो एक एक्सपीरियंस पर्सन को ज़्यादा जल्दी कंसिडर करते हैं, उनको ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं एक फ्रेशर के ऊपर। तो दोस्तों, अगला जो पॉइंट है वो मेरे हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए, मैंने खुद एक लंबे समय तक मैं एयरलाइंस पे काम कर चुका हूँ, और मेरे हिसाब से ये पॉइंट वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होता है अगर आपको एक कैबिन क्रू बनना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है कम्युनिकेशन स्किल्स। जी हाँ, आपकी कम्युनिकेशन जितनी अच्छी होती है आपका चांस उतना ही बढ़ जाता है वो इंटरव्यू को क्रैक करने का। दोस्तों, जब आप एक कैबिन क्रू बनते हो आपको रेगुलरली पैसेंजर्स के साथ डील करना पड़ता है, आपको लोगों के साथ हर दिन इंटरेक्ट करना पड़ता है, तो उस वक्त आपकी कम्युनिकेशन स्किल जितनी अच्छी होगी उतने अच्छे से आप अपना काम कर सकते हो। और सेकेंडली, आपका जो कमांड है वो इंग्लिश और हिंदी के ऊपर होना पड़ेगा। पहली जो लैंग्वेज है जो इंडिया में सबसे ज़्यादा बोली जाती है वो है हिंदी, और दूसरा इंग्लिश। तो इन दोनों लैंग्वेजेस के ऊपर आपकी पकड़ जितनी ज़्यादा होगी आपका जो चांस है इंटरव्यू को क्रैक करने का, इंटरव्यू को क्लियर करने का, वो उतना ही ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इन दोनों के अलावा आपको अगर कोई एडिशनल लैंग्वेज आती है, आपको कोई भी लोकल लैंग्वेज, बंगाली, पंजाबी, कुछ भी आपको आती है एडिशनली, या आपको कोई फॉरेन लैंग्वेज आती है, तो वो आपके लिए एक एडिशनल फैक्ट होता है, वो आपके लिए एक प्लस पॉइंट बनेगा। तो इसको ज़रूर आप बताइएगा इंटरव्यू के दौरान। सो गाइस, अगला पॉइंट जो है वो है कि आपको मेडिकली फिट होना पड़ेगा। इसका मतलब ये नहीं कि आपको बॉडी बिल्डिंग करनी है, इसका मतलब है आपकी BMI रेशियो। ये बॉडी मास इंडेक्स जो है ये हर एक एयरलाइन कंपनी, हर एक डिफरेंट एयरलाइन अपने लिए एक अलग अलग क्राइटेरिया सेट करती है। तो आपके बॉडी का जो BMI लेवल है ये ना इस क्राइटेरिया से ज़्यादा होनी चाहिए और ना ही इसके कम होनी चाहिए। तो गाइस, अब बात करते हैं कि आप अपना BMI लेवल कैसे निकाल सकते हैं, आप अपने बॉडी का जो BMI लेवल है वो किस तरीके से आप जान सकते हैं। ठीक है, तो आपको सिंपली गूगल पे जाना है, गूगल पे जाके आपको अपना हाइट डालना है, आपका वेट डालना है, और गूगल जो है वो आपको कैलकुलेट करके बता देगी कि आपके बॉडी का जो रेशियो है, जो BMI का लेवल है, वो कितना है। तो दोस्तों, हमारा अगला जो पॉइंट है वो है मैरिटल स्टेटस, मतलब आप शादी के बाद भी क्या आप इंटरव्यू दे सकते हो। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो मुझसे पूछते हैं कि भैया, हम क्या शादी के बाद भी अपीयर कर सकते हैं, क्या हम शादी करने वाले इंटरव्यू के बाद कर सकते हैं, या फिर हम पहले जॉब ले और उसके बाद शादी के बारे में सोचें? तो इसका जो जवाब है, इसका जो आंसर है, इसका जवाब है यू हैव टू बी अनमैरिड, मतलब आप शादीशुदा नहीं होने चाहिए जब तक आपको जॉब नहीं मिल जाती है।
गाइस ये सारी वो बातें हो गई कि एक कैंडिडेट के अंदर जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स होनी चाहिए एक कैबिन क्रू बनने के लिए, अगर कोई इंसान अपने करियर को बढ़ाना चाहता है आगे एज ए कैबिन क्रू तो ये सारी रिक्वायरमेंट्स उसके अंदर होनी चाहिए। हम बात करते हैं कि आप ऑनलाइन जाके इंटरव्यूज को कैसे ढूंढ सकते हो या फिर आप ऑनलाइन जाके इंटरव्यूज के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हो। और एग्जाम्पल मान लेते हैं कि आपको किसी पर्टिकुलर एयरलाइन में इंटरेस्ट है, तो आप उस एयरलाइन के वेबसाइट पे जाओ, वहाँ जाके उस वेबसाइट के करियर पेज पे जाओ। सपोज एयर इंडिया को आपने चूज़ किया तो उसके करियर पेज पे जाओ, और तब अगर एयर इंडिया की वैकेंसीज निकली होंगी तो उस वेबसाइट में आपको सारे इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगे, किस सिटी में हो रहा है, कौन से होटल में हो रहा है, यहाँ तक कि आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स पहले दिन कैरी करना चाहिए, तो ये सारी चीज़ें आपको उसी वेबसाइट पे मिल जाएंगी। अगर आपको जेट एयरवेज में इंटरेस्ट है तो आप जेट के वेबसाइट पे जाइए, उस वेबसाइट पे जाके उनका करियर्स पेज ओपन करिए, अगर तब उनकी वैकेंसीज निकली होंगी तो आपको वो सारे इन्फॉर्मेशन उसी वेबसाइट पे मिल जाएंगे। सो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आप एयरलाइंस पे इंटरेस्टेड हो या अगर आप एक कैबिन क्रू बनना चाहते हो तो इस लाल सब्सक्राइब बटन को ज़रूर क्लिक करिए, ताकि जो आगे मैं वीडियोस बनाता रहूँगा जो सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में बनाने वाला हूँ कि कैबिन क्रू की सैलरी कितनी होती है या फिर एक ग्राउंड स्टाफ कैसे बनना है, तो वो सारे वीडियोस आप तक मिलती रहे। तो आपसे फिर मुलाकात होगी, मैं हूँ सूरज गुवाहाटी से, टेक केयर, बाय बाय।